94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल खान। आज हम शादमान लाहौर में आए हुए हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में। यहाँ मालूम करते हैं कि चीज़ों की कीमतें इतनी महंगी हैं रमज़ान के अंदर भी, तो लोग मुतमईन हैं इन कीमतों से या कि नहीं? जैसे कि चिकन है, सब्ज़ियाँ हैं, दाल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके रेट इतने ज़्यादा हैं। आखिर रमज़ान में ही इनके रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? आइए चल के मालूम करते हैं दुकानदारों से और लोगों से जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये जो रमज़ान बाज़ार आपको रिलीफ दिया है बाकी बाज़ार के रेट से और यहाँ के रेट से, किस हद तक आप मुतमईन हैं? जी, काफ़ी हद तक मुतमईन है। और जो गवर्नमेंट ने ये जो दिया है ना रिलीफ, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जो है ना फ्रूट हो गए, फल हो गए और बाकी चीज़ें जो है ना काफ़ी मियारी और जो है ना कम कीमत पे जो है ना मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करम है, ठीक है। ये हुकूमत की बहुत बड़ी मेहरबानी है, ये सब करती हैं। जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं वो इससे अच्छा रिलीफ पाते हैं, मतलब उनको ये बहुत एक अच्छी विजिबिलिटी है और काफ़ी हद तक ये ठीक है। आप कितने दिन से इस बाज़ार से फ़ायदा उठा रहे हैं? मैडम मैं दो दफ़ा आया हूँ, एक दफ़ा पहले हूँ, एक आज आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी आया हूँ और मैं दो चार दिन की इकट्ठी करके ले जाता हूँ, क्योंकि हम दो बंदे हैं फ्लैट पे रहते हैं, तो जब भी आया हूँ ना मैं 500 में मेरा सारा कुछ हो जाता है। हालांकि बैर की नस्बत, बैर अगर मैं शॉपिंग करूँ तो 1000-1500 लग जाता है, यहाँ पर मैं हूँ 500 पे मेरा काम हो जाता है। तो आप यहाँ की चीज़ों से मुतमईन हैं, इनकी क्वालिटी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, क्वालिटी भी अच्छी देते हैं। बीच बीच में कुछ हैं जो अपने रेट्स देते हैं, लेकिन अब सबको तो नहीं ना कहा जा सकता, काफ़ी बेहतर है। लेकिन जी आप क्या खरीद करके आए हैं? मैं ये सामान खरीद के आया हूँ, ये खरबूजा, सेब और अपना केले वगैरह। तो इनके रेट्स आपको कैसे मिले? नहीं, रेट्स तो जो उनसे हैं बेसिकली बाहर और अंदर सेम है रेट। ये सस्ता रमज़ान बाज़ार नहीं है, बस इन लोगों ने जो है ना ये महंगा रमज़ान बाज़ार ही है, सस्ता रमज़ान बाज़ार कोई नहीं है, सारा झूठ है ये। आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ, वेरी फ्रेंकली कहूँगा मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अंदर भी मैं बाहर भी रेट पता करके आया हूँ। 100 रुपये दर्जन केला बाहर है और यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पर भी 100 रुपये दर्जन केला है। तो इनकी क्वालिटी चीज़ों की कैसी है? क्वालिटी चीज़ों की मैं आपको दिखाऊँ, ये फ्रेंक। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दिखाएँ आप। ये देखें, ये हैं जी सेब इनके। मेरा कैमरा दिखा सकता है तो ये देखें कि ये देखें गले सड़ी इनकी हालत है कुछ चीज़ों की भी, और वो देखें सेब कितने गले हुए हैं, और इनकी क्वालिटी देखें और फिर भी वो काफ़ी महंगे दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी है हमारी, हमने तो लेना ही है जी। तो फिर इससे मुतमईन नहीं है आप बाज़ार से? ओबियसली जाहिर सी बात है, कौन मुतमईन है, ठीक है, झूठ झूठ ही है सारा ये। सिर्फ एक आवाम को जो है सिर्फ दिखाने के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार। अभी रिसेंटली मैं 5 बजे कहने 9 बजे से लेके 5 बजे की जो टाइमिंग रखी है, हम 5 बजे बाहर आए हैं, ठीक है। तो अपना 5:10 के ऊपर एक दो औरतें और एक मर्द जो है वो अंदर एंटर हो रही थी, तो बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ था उसने कहा कि ना हमने आपको अंदर नहीं एंटर होने देना, और उसको दो औरतों को और साथ एक लड़के को अंदर आने दिया 5:10 पर। उस समय मैं कहा यार ये क्या बदतमीजी है कि तुम लोग हमें नहीं अंदर आने दे रहे, तो और लड़कियों को तुम अंदर आने दे रहे हो, 5:10 पे वो आ रहे तो हम लोग 5 बजे आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? तो वो ओबियसली जाहिर सी बात है ना कि वो लड़कियाँ देख के उसको अंदर आने दे रहे हैं। ये क्या रूल्स है अभी कि भाई हम 10 बजे जो उनसे 5 बजे हमारा टाइमिंग ऑफ है, हमारा टाइम ऑफ हो जाता है, इवन कि वो 5:10 के ऊपर तो वो अंदर एंटर हो रहे हैं, हम लोग 5:05 के वहाँ पर खड़े हैं बाहर। या आप यहाँ बाज़ार की सिक्योरिटी से यानी मुतमईन नहीं? ओबियसली बाज़ार की सिक्योरिटी से भी मुतमईन नहीं है हम, तो ना बाज़ार की सिक्योरिटी से मुतमईन है, ना उनकी चीज़ों से, ना उनके रेट से मुतमईन है। ये सस्ता रमज़ान बाज़ार नहीं, ये महंगा रमज़ान बाज़ार है। ये जो क्वालिटी है यहाँ पर जो फल की है, इससे मुतमईन है आप? जी बाजी, मैं पहले ऐसे आई नहीं हूँ, मुझे पता नहीं। आप खरीद रही हैं? जी पता है, पूछ रही हैं यहाँ भी कैसे ला रहे हो, किस तरह दे रहे हो। आपने अभी तक खरीदे नहीं? नहीं बाजी, मैं नहीं खरीदी। तो आप देख रही हैं इनकी क्वालिटी कैसी है? बाजी मैंने नहीं पसंद लगे, नहीं पसंद आ रहे आपको, तो फिर इसका मतलब नहीं खरीदेंगे आप? हाँ जी, मैं देख रही सभी अच्छा मिल गया तो फिर ले लाँगे, जो ना मिले तो फिर नहीं लवाऊंगी, अजय तो पूछ नहीं सा। ये जो आपने इतना सारा सामान खरीदा है, आप इस रेट से बाज़ार में रमज़ान की रिलीफ से जो जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उससे मुतमईन है? नहीं मुतमईन तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलें डूबते को तिनके का सहारा। मसलन अगर मार्केट में कोई चीज़ 120 की है तो यहाँ पे इस वक्त 110 या 100 की मिल रही है, बस इतना का फ़र्क है। अच्छा, सिर्फ आप सस्ती करके आ रहे हैं? 10%, मैं तो ऑफिस से जा रहा हूँ वापस, रास्ते में ये पड़ रहा है तो इस वजह से मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, सस्ती समझ के आप चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी से मुतमईन है? क्वालिटी नहीं, क्वालिटी से मुतमईन नहीं, क्वालिटी वैसे नहीं है।
फिर भी आपने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली हैं क्यों? बस रोज़ा रखा हुआ है, थके हुए हैं, वापस जा रहे हैं ऑफिस से, तो मैंने कहा चले ले लें, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ये जो आपने रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया हुआ है, हुकूमत ने एक आवाम को रिलीफ दिया हुआ है, क्या आप दुकानदार हैं, आप चीज़ें बेच रहे हैं, आप भी इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, अब तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, बिल्कुल सस्ती मिल रही हैं। अब हुकूमत को ये चाहिए जो इसके मसाला ज़्यादा है ना, सब्ज़ियाँ वगैरह तो सस्ती हो गई, घी वगैरह भी सस्ता करें ना, इसको अवाम को साथ लेके चलना चाहिए था, मनान खां को, अवाम को हमायत इसने ली कोई नहीं, अवाम को साथ लेके चलता रहा, समुंदर ठाठे मारता होता इसके पीछे, इसको किसी हुकूमत से किसी के दबाव ना इसके ऊपर होता। आज जब अवाम किसके साथ हो ना, उसको कोई नहीं गिरा सकता कभी भी, ना गिरता कोई देखा कभी मैंने। इसको चाहिए घी सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, आटा सस्ता करे, जो ज़रूरत की चीज़ है गरीबों की खाने के लिए वो सस्ती करे। सब्जी सस्ती से होने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ये बताएं, आप अभी तक खाली बैठे हुए हैं, आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो ये कब से लगाया हुआ आपने स्टॉल और कितनी बिक गई हैं? मैंने 4-5 हज़ार रुपया खरीद ली भी कर लिया है अपना। अच्छा सेल कर लिया? सेल कर लिया हमने, तो अल्लाह का फजल है, शाम को 1000-1200 रुपये ले जाएंगे हम पे, फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का फजल है, हुकूमत से हमने क्या लेना देना, लेकिन इसको सोचना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए था इसको। तो ये जो सामान है आपका, सब्जियां हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, या कई स्टॉलों पे तो मैंने देखी है उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, और आपकी क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है फिर भी। आप किसी चीज़ को भी देखें मेरी को उठा गया से, ये देखें मेरे पास, ये देखें बर्फ़ लगाई हुई नीचे चीज़ों को मैंने ठंडी रखी हुई हैं, ख़राब नहीं होती, ये देखो फ्रेश की फ्रेश चाहिए, देखें। अच्छा ये बताएं कि मार्केट में जो रेट बेसन के हैं, ये पकौड़ियों के हैं, ये आप उनसे कम रेट बेच रहे हैं या ज़्यादा? ये बाहर 320 है, यहाँ पे हम रमज़ान के लिए ना 280 दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है, आप कम क्यों कैसे बेच रहे हैं? रमज़ान की वजह से। तो ये आपको किसने कहा कि कम बेचे? ज़्यादातर ऐसे होता, रमज़ान में ऐसा नहीं होता, किसी ने नहीं कहा, हम अपने खुद से दे रहे हैं रमज़ान के लिए। तो ये इसका वज़न कितना है? किलो, पूरा है वजन? हाँ जी पूरा है। कोई है आपके पास वो तराजू जिसे मुझे पता चले कि अगर कम रेट दे रहे हैं तो इसका वजन वाकई ज्यादा है? हाँ रखे, मैं देखूं जरा, ताकि मुझे पता चल सके, मेरी नाजरीन को पता चल सके कि वाकई जब ये रेट कम है तो चीजें पूरी दे रहे हैं। जी हम नाजरीन हम करेंगे वेट और मालूम करेंगे कि ये पूरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या खरीद रही हैं यहाँ? खरबूजा खरीद रही हूँ। तो खरबूजे का रेट हो गया आपके साथ? नहीं अभी तो पूछ रही हूँ, महंगा इतना है कि बंदा सुन के ही परेशान हो जाता है। कितना रेट दे रहे हैं? कोई 120 है, कोई 100 रुपए है, इस तरह से मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ क्वालिटी के खरबूजे रखे हुए हैं। ये इतने मुन्ने मुन्ने से खरबूजे हैं, बात सुने, ये आप कितने का दे रहे हैं खरबूजा? ये इतने छोटे छोटे हैं, ये 100 रुपए किलो देते हुए वैसे हैरत नहीं हो रही आपको? ये इससे बड़े खरबूजे ये वाले जो है मैं 80 रुपए किलो लेके गई परसों मार्केट से, तो अभी आप इतने महंगे क्यों दे रहे हैं? मंडी से महंगे मिले हैं। ये मंडी में क्यों इतने महंगे मिलते हैं? मैंने तो सुना है सस्ते मिल रहे हैं आजकल, आप क्यों महंगे बेच रहे हैं? बाकी मंडी महंगे है। आपको वारे खा जाता है ये कि आप ये इतने महंगे बेच रहे होते हैं और वहाँ से भी महंगे ले आते हैं? महंगे लेकर आते हैं, इधर भी जो रेट आता है उस रेट के हिसाब से बेचते हैं। ये है जनाब सस्ता रमजान, आप क्या खरीद रही है? ये कुछ रमजान के महीने से कुछ थोड़े से सामान वगैरह, फल वगैरह खरीदा है। तो ये क्या रेट दिया इन्होंने आपको? ये इन्होंने हमें 70 रुपये, 60 रुपये लगाया इन्होंने हमें पर केजी। पर केजी आपने कितना लिया? मैंने 6 किलो लिया, 6 किलो लिया, दो तरबूज लिए हैं, 6-7 किलो लिया। तो आपको ये ठीक रेट लग रहे है? तो महंगा क्योंकि तरबूज है हमारी अपनी इधर पाकिस्तान की पैदावार है और लातादाद होता है, गर्मियों में तो तरबूज खाया भी जाता है, मगर ये अब लेना तो पड़ता है ना, बच्चे हैं घर में, उन्होंने खाना है, हमने भी खाना है, अफ्तारी का टाइम है, तो फिर आपको पता है। ये सेब कैसे दे रहे हैं आप? ये 120 थे, अब 80 रुपए किलो दे रहे हैं। आप इसकी क्वालिटी तो देखें, ये 80 रुपए वाले लगते हैं? ये 200 रुपए बाहर, इधर 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, बाहर पता करें 200 के किलो हैं, बाहर ये 200 के किलो, इधर 80 रुपए के किलो हैं। आप इसकी क्वालिटी देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये अच्छे हैं, अभी तो सीजन हो रहा है, ये छोटे हैं, साफ हैं। आप बाजार के रेट से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, बहुत ज़बरदस्त रेट है, हर चीज़ ज़बरदस्त मिल रहे हैं और शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वालिटी कैसी लगी आपने? ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी, पहले भी हमने लिया था तो दोबारा आके लिया, फिर ज़बरदस्त। तो ये जो रमज़ान का सस्ता बाज़ार है इससे मुतमईन है? बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बहुत ज़्यादा।
आप यहाँ की चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही? नहीं पसंद भी नहीं आ रही, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी क्वालिटी इसको ठीक नहीं लग रही आपको? नहीं। नहीं क्या रेट दे रहे हैं बैंगन के, क्या रेट है? महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर दुकान से भी ले तो इससे भी सस्ते देते हैं, तो रमज़ान का तो नाम ही है, दुने निकालते हैं लोगों में से। यानी कि आप नहीं खरीदेंगी अब? जारी बात है, मजबूरी खरीदेंगे तो है, जारी बात खाना तो है ना। तो आप ये बैंगन ही खरीदेंगे या कुछ? नहीं अभी मैं तो वो करेले लिए तो वो भी इतने ख़राब है, तो फिर भी उसने बोला कि 80 रुपये में लेने हैं, तो हमने सोचा कि ये ख़राब है, कहता लेने तो ले, नहीं लेने तो चले जाओ, हमने ले लिए, मजबूरी है। हमने रेट और क्वालिटी के हिसाब से लोगों से मालूमात ली, लोगों का मिला जुला रद्द अमल रहा चीज़ों के सस्ते और ज़्यादा महंगे होने की वजह से। DOP यकूब भट्टी के साथ गज़ल खान, लाहौर। नाइन्टी फोर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।